नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं एक्स गवर्नर सत्यपाल मलिक जी। हम सीधे उनसे बात करेंगे। लंबे समय के बाद सत्यपाल मलिक जी अचानक गायब कहाँ हो गए? कहाँ गायब हुआ? चर्चाओं से दूर हो गए? नहीं, अभी मैं मतलब कोई अननेसेसरी कंट्रोवर्सी नहीं करता हूँ, बट मैं महीने में कम से कम 8-10 पब्लिक मीटिंग्स करता हूँ। वो पब्लिक मीटिंग्स में जो पहले तेवर थे, अब वो तेवर नजर नहीं आ रहे हैं? नहीं, वही है। सवाल ये है कि तब मैं गवर्नर था, अब मैं नहीं हूँ। तब लोग उसमें कंट्रोवर्सी ढूंढते थे, अब कोई मैं सिंपल बातें बोलता हूँ। पिछले दिनों आपकी सुरक्षा हटा ली गई है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। जिसके हाथ में है वो सुरक्षा दे ना दे, हालांकि मैं डिज़र्व करता हूँ। मुझे कश्मीर की कमेटी ने लिखा था जब मैं ट्रांसफ़र हुआ कि इनको थ्रेट रियल है, पाकिस्तान से भी है, टेररिस्ट से भी है, और इनको मकान होना चाहिए, जेड प्लस सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन अब मेरे पास सिर्फ एक PSO है। अच्छा, तो इस पे आपने क्या केंद्र सरकार को कोई चिट्ठी लिखी या होम मिनिस्ट्री ऑफ होम को? पहले दो बार लिख चुका था होम मिनिस्ट्री को, लेकिन फिर मैंने सोचा कि समझेंगे कि देखिए सिक्योरिटी के लिए मरे जा रहे हैं, मैंने फिर नहीं कुछ कहा। अच्छा, हालांकि मैं कोर्ट में जाऊं तो मुझे इमीडिएटली सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो आप लगातार अमित शाह पे हमलावर रहते हैं, क्या इसलिए आपकी सिक्योरिटी? नहीं, अमित शाह से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, एंड ही हैज बीन वेरी काइंड टू मी हर मौके पे। PM मेरे से नाराज थे किसानों वाले मामले में, अमित शाह नहीं थे। सिक्योरिटी तो PM के इनिशिएटिव पे विड्रॉ हुई होगी। अच्छा, तो आप आगे अब क्या करने की तैयारी करेंगे? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे? कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा, कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन 24 में मैं कैंपेन करूंगा। तो 24 में किसके लिए कैंपेन करेंगे? लाइक माइंडेड लोगों के लिए, जो किसान पॉलिटिक्स के लोग होंगे। तो लाइक माइंडेड आपके नज़र में कौन है? अभी दो चार कोई नाम बता सकते हैं क्या? वो ठीक नहीं लगेगा, पर बहुत सपा कांग्रेस, सपा कांग्रेस और ये अपना अजीत सिंह का लड़का, ये सब लाइक माइंडेड हैं, उनके लिए प्रचार करेंगे। जरूर। आपको गवर्नर बीजेपी ने बनाया है और आप प्रचार कांग्रेस के लिए करेंगे? मुझे गवर्नर बीजेपी ने बनाया, मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ, और मैं बीजेपी को कोई बिट्रे नहीं किया। मैंने जो सही बात थी वो बोली, अब वो उसको महसूस कर गए वो अलग बात है। बीजेपी मुझे नहीं कह रही है कि हमारे लिए प्रचार करो, और मैं कर भी नहीं सकता हूँ मेरे कन्विक्शन के लिहाज से। तो आप चुनाव प्रचार किस तरह से करेंगे? क्या चुनाव प्रचार का मतलब सीधे सीधे तौर पर आप बीजेपी के अटैकिंग मोड में होंगे? सर्टेनली, जो जो मुझे ठीक लगेगा वो बोलूँगा। आपने एक बात कही थी कि मैं जब गवर्नर पद से रिटायर होऊंगा तब मैं बहुत सारे पत्ते खोलूंगा, आपने कोई पत्ते खोले क्या? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, पर मैं कश्मीर पे एक किताब लिख रहा हूँ। कश्मीर पे क्या किताब लिख रहे हैं? उसमें क्या क्या बता दूं, उसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो उसमें 100% सच बातें होंगी? कश्मीर पे आपने दो बातें कही थी जो काफी चर्चाएं हो, कि अगर मेरे पास उसमें CBI की मुकदमे भी दर्ज किए हैं कि अगर मेरे पास ये फाइल क्लियर हो जाता तो मुझे इतने पैसे का ऑफर हुए थे, उसमें सच्चाई कितनी है? ऑफर नहीं था, पर चर्चा थी कि इसमें इतना मिलेगा, जो लोग उसके बीच में थे उनको। तो मैंने कहा मुझे तो बीच में नहीं रहना, मैं तो 5 कुर्ते पजामे में आया हूँ, इसी में चला जाऊँगा, लेकिन ये गलत है, मैं नहीं करूँगा। तो मैंने दोनों डील कैंसिल कर दिए, जिसमें एक अंबानी का भी था। पूछताछ के लिए कभी आई क्या CBI आपके पास? ये नोटिस दिया गया? मेरा बताना आपसे ठीक नहीं, वो उन्होंने जानकारी चाही थी कि ये क्या, इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने उन्हें बता दिया था कि 4-5 लोग थे, लेकिन वो एक्सीडेंटली सारे प्रधानमंत्री के लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे। उनका नाम आपने CBI को दे दिया है? नाम दे दिया। अच्छा, उसके बाद उनका नाम मैंने प्रधानमंत्री जी को भी दे दिया था। ये कैंसिल करते ही मैं दिल्ली आया और मैंने बताया साहब ये था, मैंने कैंसिल कर दिया, आपकी दिलचस्पी हो तो किसी दूसरे आदमी को भेज दें मेरी जगह, वो कर देगा, मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आई सपोर्ट यू, एंड ऑन करप्शन देर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज। तो ये तो अच्छी बात कही। हाँ, PM का मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। अच्छा, धारा 370 जब हटाया जा रहा था, उस समय मनोज स्थिति क्या कह रही थी या क्या कैसे? वो तो मैं चूंकि धारा 370 तो बीजेपी का एजेंडा था, हमारा भी एजेंडा था, वो तो मैंने एकदम माहौल बना रखा था कि ज़्यादा उसका विरोध ना हो, और हुआ भी नहीं, एक नहीं भूखा, एक गोली नहीं चलानी पड़ी, पीसफुली हट गई। आपने एक बार पहले भी
शब्द का इस्तेमाल किया और कश्मीर में भी इसका मतलब क्या निकाला जाए, क्या आस है? कोई आवाज नहीं हुई। ये किसकी सफलता मानी जाए, गवर्नर की, सेंट्रल गवर्नमेंट की या होम मिनिस्ट्री की? ये जनरली तो वहाँ तो मैं ही था, मैंने वहाँ जो लोग थे उनकी जो मानसिकता थी उसको, एक तो मैंने सबको अपना डायरेक्ट नंबर दे रखा था, मैं 2 बजे रात भी खुद फोन उठाता था, फिर उनकी कोई प्रॉब्लम होती थी उसे हल करता था, तो उनको मेरे से एक अपनापन, एक उनसियत हो गई थी, टू द एक्सटेंट के ये हुर्रियत भी मेरे पक्ष में हो गई थी। कहते थे भाई बहुत बढ़िया गवर्नर है, तो जब बात करता तो दिल निकाल के हथेली पर रख लेता है। और उन्होंने उसी के एवज में जब अमित शाह साहब गए तो पहली बार 30 साल में वो बायकॉट नहीं किया, अदरवाइज वो जो भी कोई सेंटर से जाता था वो हड़ताल की कॉल देते थे। फारूक अब्दुल्ला वगैरह उस समय मिले थे जब 370 हट रहा था? नहीं, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब नहीं मिले। महबूबा आई थी एक दिन पहले मिलने मेरे से पूछने क्या हो रहा, मगर देखो मुझे पता नहीं, पर ये ऐसी चीज़ तो है नहीं जेब में से निकाल के कोई कुछ कर देगा, पार्लियामेंट में आएगा पता चल जाएगा आपको कल, तो अगले दिन वो हो गया। महबूबा ने तो कहा था कि यहाँ पे कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, कहा था खून की नदियाँ बह जाएंगी और झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह। इस स्थिति को कैसे कंट्रोल किया था, थोड़ा सा बताइए। वो खुद हो गया। एक तो देखिए एक शब्द होता है जहाँ जहाँ ये इस तरह का विद्रोह होता है वहाँ एक सेंस ऑफ फैटीग पैदा करनी होती है, वहाँ लोगों को ये बताया जा, मैंने ये समझाया मीटिंग्स में ज़्यादातर जगहों पे कि भाई देखो तुम्हारे बच्चे मरते हैं नेताओं के तो लंदन में पढ़ रहे हैं, और ये 250 बच्चे हैं टेररिस्ट, और दुनिया की तीसरे या दूसरे नंबर की फौज है, उससे लड़ के क्या ले लेंगे, बातचीत से तुम सारी दुनिया ले सकते हो तो लड़ो मत, तो उनकी समझ में आ गया था ये, जिसको सेंस ऑफ फैटीग कहते हैं ना, वो चली गई थी। बीच में काफी पत्थरबाजी हो रही थी उसका क्या? वो बिल्कुल बंद हो गई थी मेरे जाने के बाद। मैंने फौज कह दिया था कि पलट के गोली मार देना, मैं देखूंगा, कोई मुकदमा नहीं होगा आपको। अच्छा, तो आपने आदेश दे दिया था कि आदेश मैंने उनको जबानी दे दिए थे। अच्छा, जबानी दिए थे, रिटेन में नहीं दिए थे। ये पता चल जाता पत्थर मारने वालों को भी कि अब वो दिन नहीं है कि महबूबा केस करा देगी, अब गवर्नर कुछ केस नहीं होगा, मारे जाओगे। अच्छा, तो अब आप किसानों का मुद्दा, आपको क्या लग रहा है कि अब खत्म हो गया है या अभी भी जीवित है? बिल्कुल कभी खत्म नहीं होगा ये, चूंकि सरकार के नियत में खोट है, बेईमानी है, ये MSP लागू नहीं कर रहे हैं, दोबारा लड़ाई होगी और शायद भयंकर लड़ाई होगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है वो किसानों के लिए तो इतना काम कर रही है, लोगों के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं, आज तक किसी सरकार के कार्यकाल में किसानों के खाते में नहीं गया, फिर भी आपको मोदी सरकार से नाराजगी है? 6,000 रुपये साल में जाते हैं, क्या होता है 6,000? तो पहले तो 1 रुपया नहीं जा रहा, इतना निकाल लेते हैं जितनी चीजें वो पैदा करता है, कई चीजों पे सब्सिडी दे रही है। मेरी बात सुने आप, जितनी चीजें किसान पैदा करता है उसका दाम उस हिसाब से नहीं बढ़ता जिस हिसाब से वो उन चीजों के दाम बढ़ते हैं जो वो खरीदता है, लिहाजा वो हर साल गरीब हो रहा है अननोइंगली। लेकिन ये तो 1947 ही या उससे पहले से ही, आजादी के पहले से लगातार ये तो, लेकिन वो आए थे ना अल्लाह मियां होके, हम ठीक करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया किसानों के पक्ष में। और ये जो पैसा बांटना है इससे तुम्हारी लॉयल्टी खरीदना, ये काम नहीं करता ज्यादा। अच्छा, लेकिन आप कह रहे थे कि किसान नाराज हैं, लेकिन BJP तो किसान आंदोलन के बाद UP और हरियाणा चुनाव जीत गई। हरियाणा कहाँ जीत गई, हरियाणा तो शायद पहले हार चुकी थी वो, तो अगर दुष्यंत ना हो तो सरकार नहीं बन रही थी BJP। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो जीत गई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हारी थी, पूरे यूपी में जीत गई थी। उसका कारण था कि मायावती ने अपना वोट ट्रांसफर करा दिया था। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि मायावती ने ट्रांसफर कर दिया? मेरी जानकारी है। क्या आपका कोई एविडेंस है आपके पास? मेरे पास बूथ वाइज एविडेंस, बल्कि 2 पब्लिक मीटिंग्स में तो उन्होंने कहा भी कि तुम्हारा ना जीतते हो तो BJP को वोट दे देना, ऐसा बोला था। तो क्या इसलिए BJP की जीत हुई? ऑफ कोर्स BJP तो हारी हुई थी यूपी। क्या आप अब उस आंदोलन को किस तरफ आप ले जाएंगे या क्यों आप इस तरह का आंदोलन करने के मूड तैयारी में हैं? मैं नहीं हूँ, किसान हैं। किसान अभी आए थे वहाँ रामलीला ग्राउंड गए थे, वार्निंग दे के गए, दोबारा लड़ेंगे। ऐसा तो नहीं कुछ लोग किसानों को उकसा रहे हो? किसान किसी के उकसावे में नहीं आता, किसान इज वेरी वाइज। लेकिन ये किसान केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्यों है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में और राज्यों में किसान है, वहाँ तो कोई आंदोलन नहीं है? नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी है
और ये आप समझिए हरियाणा में है, पूरे पंजाब में है, बल्कि ज़्यादा तो पंजाब में है। तो पंजाब सरकार, वहाँ तो नई सरकार बन गई, वहाँ पे भी ऐसा कुछ कदम उठाया गया जो किसानों को? अभी तो मुझे लगता नहीं, कई बार चीफ मिनिस्टर के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन हो गए हैं किसानों के। तो क्या लगता है कि जो आप सरकार वहाँ बनी है वो भी किसानों के साथ न्याय नहीं कर रही है? मतलब जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रही है। तो आपको चुनना हो, आप और बीजेपी में से तो किसको चुनेंगे? मैं तो किसी को भी नहीं चुनूंगा। अच्छा, अभी राहुल गांधी का जो एपिसोड हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें मेरा बोलना ठीक नहीं है, पर ये सही बात है कि उसमें सरकार की नीयत अच्छी साबित नहीं हुई। जितना जल्दी से उसको मेंबरशिप से हटाया गया हो, वो कोई जरूरी नहीं था, वो कोई थ्रेट नहीं था देश के लिए। 10 दिन बाद हटा सकते थे आप। लेकिन फिर सबसे बुरी बात, उसका ये राइट था कि वो पार्लियामेंट में अपना पक्ष रखे, उसके खिलाफ 4 मिनिस्टर्स बोले। उसने स्पीकर को 2 चिट्ठी लिखी कि साहब मुझे बोलने का वो दिया जाए मौका। स्पीकर ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कभी नहीं हुआ है। तो यानी राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, आप क्या उसको सच मान रहे हैं? मैं बिल्कुल सही मानता हूँ, बिल्कुल उसको बोलने का मौका देना चाहिए था, उसका राइट था बोलना। लेकिन राहुल गांधी तो विदेशों में जाके कह रहे हैं कि हमें मोदी सरकार का हटाने के लिए आप सपोर्ट करें, ऐसी चर्चा है? मैंने खुद सुनी है स्पीच, ऐसी कोई बात नहीं कही उसने। लेकिन बीजेपी वाले तो ऐसे ही, बीजेपी वाले तो दिन का रात बना सकते हैं। क्या करेंगे उसका? नहीं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी वहाँ गलत तरीके से उनका रोका? आपको ऐसा क्या एविडेंस दिखा कि आप ऐसा बोल रहे हैं? देखो, तो एविडेंट है, उसने 3 चिट्ठी लिखी स्पीकर को, फिर वो मिलने गए स्पीकर से। स्पीकर ने कहा चाय पी लो, उसने कहा चाय नहीं, मुझे बोलना है, बोलने नहीं दिया उसको। लेकिन बीजेपी ने जो एक्शन लिया वो तो नियम सम्मत है या नियम अगेंस्ट है? नहीं, वो नियम सम्मत हो सकता है, बट जिस तरह लिया गया उससे लगता है कि उन्होंने टू मच हेस्ट दिखाई उसने। मतलब आपका कहने का आशय है कि काम तो सही हुआ है लेकिन इंटेंशन गलत लग रहा है। इंटेंशन गलत लगता है। अच्छा, उसको 10 दिन बाद भी कर सकते थे। और ये जो अभी मकान खाली कराने के लिए जो, ये तो हल्की बात है, ये तो हल्की बात किसके लिए, मतलब सरकार की तरफ से? हाँ, खाली कराने वालों के लिए है भाई। मुरली मनोहर जोशी बंगले में रह रहे हैं, अडवाणी जी बंगलों में रह रहे हैं, जो कुछ भी नहीं है, कितने कितने साल से लोग रह रहे हैं। केंद्र सरकार ने तो अपने मंत्रियों तक के बंगले खाली कराए हैं, इसमें गलत क्या है? कहाँ कराए? अभी जो निशंक पोखरियाल, रमेश पोखरियाल निशंक थे, उनका वो तो नोबडीज थे केंद्र सरकार के निगाह में, लेकिन जो उनके प्रिय हैं उनके तो नहीं कराते हैं। रविशंकर प्रसाद ओवर हैं, उनका भी नहीं कराया। अच्छा, आपके पास लिस्ट है क्या? मेरे पास को, मैं देखता ही नहीं है किसका खाली हुआ किसका नहीं हुआ, दैट्स नॉट माय सब्जेक्ट। तो अब क्या लग रहा है कि जो बीजेपी की राजनीति है 2024 में वो कहाँ जाएगी और क्या स्थिति रहेगी? क्या आपको लग रहा है कि 2000 सेंटर में राजनीति का मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन अगर ओपोजिशन ने 1 vs 1 कर दिया, एक उम्मीदवार बीजेपी का और उसके सामने अपोजिशन का एक ही उम्मीदवार खड़ा कर दिया, तो बीजेपी विल लूज द इलेक्शंस। अच्छा, 1 vs 1। वन तो ये तो आप बात करें कि इंदिरा गांधी के समय था कि ये वीपी सिंह के ज़माने में था, जिसमें सीपीएम भी था, बीजेपी भी थी और कोई यूनिटी नहीं की गई थी, बस 1 vs 1 कर दिया था और ये हार गए थे। जैसे 1977 में भी हुआ हाँ, था। हाँ, यही हुआ था। आपने एक बयान दिया था कि इंदिरा गांधी की सत्ता को लोगों ने हिला दिया था, ऐसा बोला था ना जयपुर के एक स्टूडेंट निर्मल चौधरी कार्यक्रम। तो आप ऐसा मोदी के लिए क्यों बोला था, मोदी सरकार के लिए क्यों बोला था? मैंने इनके लिए नहीं बोला कुछ हिलाने। अच्छा, ये तो वैसे ही हिले हुए हैं, ये तो अडानी ने हिला दिया, मैंने नहीं हिलाया इनको। अडानी हैज गॉन सो डीप डाउन इन पब्लिक साइकी के आपको अंदाजा नहीं। आप अडानी को कहाँ से बीच में ले आए मोदी जी की बात? मैं इसलिए ले आया कि अडानी इज ए बिग इशू नाउ। कैसे, थोड़ा सा समझाइए डिटेल, कैसे बिग इशू? लोग कन्विंस्ड हैं कि अडानी जो है वो मोदी जी की क्रिएशन है। अच्छा, और उन्हीं की मेहरबानी से इतना बड़ा बना है। अच्छा, तो ये लोगों में चला गया नीचे तक। ये कैसे, ये तो गलत है। ये तो मोदी जी तो 2003 में आए हैं या 2 में आए हैं, लेकिन अडानी तो 1990 से पहले से हैं। अरे जो बना है वो तो 4 ही साल में बना है, पहले तो
600वें नंबर पे था वो। नहीं, कंपनी तो बहुत पुरानी है ये, तो कांग्रेस तो बहुत है, कांग्रेस कांग्रेस के समय से ऐसी कंपनियां तो देश में बहुत हैं, लेकिन नंबर एक और नंबर दो बनने के लिए तो किसी की मदद चाहिए ना। तो ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो हर सरकार में रहे, जैसे बिरला जी थे वो नेहरू जी के जमाने में, बिरला जी ने कभी कोई बेनिफिट नहीं लिए उस तरह। टाटा रहे, टाटा अंबानी रहे, टाटा अपने इस अडानी ने तो एक आल्पिन नहीं बनाया, टाटा ने तो ट्रक बनाए, टाटा ने इंजन बनाए, टाटा ने सो चीजें बनाई। पिछले दिनों एक आपका बयान आया था कि उन्होंने अलग अलग स्टोर बना लिए, उस पर भी आपने कुछ बयान दिया था। इन्होंने स्टोर बनाए थे और वो ये था कि जब सस्ता हो गेहूं तब खरीद लें और फिर उसको महंगा कर दें तब बेचें, लेकिन वो रिएक्शन हो गया लोगों में तो उसको अभी इन्होंने थाम लिया है। कभी ऐसा होगा क्या कि आप मतलब आप भी चुनाव लड़े मैदान में? मैं नहीं लड़ूंगा, चुनाव नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, बस केवल बीजेपी के अगेंस्ट प्रचार करेंगे। अगेंस्ट में नहीं, कुछ लोगों के पक्ष में करूंगा जो मुझे पसंद होंगे। अच्छा, यूपी में या हर स्टेट में करेंगे? सब तीन चार स्टेट में तो करूंगा ही। कहाँ कहाँ करेंगे? जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, वेस्टर्न यूपी। अच्छा, वेस्टर्न यूपी। योगी में क्या विश्वास है? क्या योगी में विश्वास है? कैसे, एक आध एग्जाम्पल? ऐसे नहीं है, लोगों में जब बात करते हैं तो जब अभी योगी ने भाई अभी जहाँ दंगे हुए हैं अभी तीन चार स्टेट में, सब जगह कहा गया भाई योगी होना चाहिए था यहाँ। अच्छा, इसका ये कि योगी कैन मैनेज थिंग्स। अच्छा, यूपी में दंगे नहीं हुए, और स्टेट में हो गए। उमेश पाल हत्याकांड हुआ, उसके बाद विधानसभा में योगी ने बयान दिया कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, उसके कुछ ही दिन बाद अतीक अहमद का मामला हुआ, कोर्ट में गया, इस पर भी आ रहा है कि मतलब योगी ने जो कहा वो किया, इसको किस तौर पे देख रहे हैं आप? देख, तो योगी को ऐसी भाषा से बचना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को ये भाषा अच्छी नहीं, शोभा नहीं देती है। नंबर दो, क्या मिट्टी में मिला दिया, 5 शूटर तो अभी तक पकड़े नहीं गए, जो मेन शूटर्स थे वो तो कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। अब तुम किसी का घर गिरा दो तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बुलडोजर भेज के अतीक अहमद का जो हुआ एक्शन, वो सही था क्या? नहीं, मैं अतीक अहमद पे बहस नहीं करता हूँ, मेरे तरफ से उससे बोलना ठीक। आप तो यूपी के रहने वाले हैं, क्या लगता है कि पहले के मुकाबले यूपी में कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति है? और क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं लोगों के? डेवलपमेंट तो योगी से पहले का है, इसके अपने अखिलेश यादव अखिलेश के जमाने में बहुत हुआ है। तो डेवलपमेंट तो मायावती जी के समय में, मायावती जी के समय में, मतलब एक प्रोसेस है जो चल रहा है। मायावती जी के जमाने में पार्क बने थे बड़े बड़े, हाथी खड़े किए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, अच्छा है वो जो भी बना है, उसमें टिकट लग के जाते हैं लोग गाजियाबाद में। अच्छा, नोएडा में मैंने देखा कई बार आते जाते हैं बच्चे टिकट लेके जाते हैं। तो मायावती जी से कभी आपकी मुलाकात हुई कि नहीं? मायावती जी का अब क्या भविष्य है उत्तर प्रदेश में? देखिए, वो अगर चाहें तो उनका भविष्य है, लेकिन मुझे लगता नहीं वो निकलेंगे अब अपने उसमें से। अच्छा, क्यों? कारण होंगे, मैं नहीं उस पर बोलना चाहता, तो उनको अगर वो निकलें तो अभी शी इज ए फोर्स टू रेकन विद। तो आप विपक्ष को एकजुट होने के लिए क्या कोई ऐसा मैसेज दे रहे हैं या लोगों के संपर्क में हैं राहुल गांधी के? मिलते हैं लोग, जो उनसे मिलते हैं, मैं सीधे तो किसी से नहीं मिलता हूँ, लेकिन उनको मैं जो मेरे आइडियाज़ हैं वो दे देता हूँ, जिसमें ये 1-to-1 वाला ही पिकअप कर गया, सबकी समझ में आ गया कि यही करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिटी तो होगी नहीं, चूँकि सारे प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पे क्या लग रहा है आपका, चूँकि वहाँ पे आना जाना लगा रहता है? वहाँ अगर वसुंधरा को बीजेपी आगे कर देगी कि ये चीफ मिनिस्टर होंगी तो बीजेपी जीत सकती है, वरना नहीं जीतेगी। तो वहाँ तो मोदी जी के चेहरे के नाम पे चुनाव लग रहे हैं? मोदी जी के चेहरे के नाम पे तो वहाँ कभी वोट नहीं हुआ, पार्लियामेंट में होता है, असेंबली में नहीं होता। अच्छा, असेंबली में नहीं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आप? मैं जाता हूँ हरियाणा, मेरा बहुत संपर्क है। अभी तो लेकिन वहाँ चुनाव हुए थे पंचायतों के, वहाँ पे तो बीजेपी जीत गई। कहाँ, हरियाणा? आपने देखा नहीं ठीक से नतीजे, कहीं नहीं जीती बीजेपी, धारों धार हारी है सब जगह। कभी फोन आता है अमित जी का? ना, मेरा संपर्क नहीं है, कट गया है। नहीं, मैं भी नहीं करता हूँ, वो भी नहीं करते हैं। कभी भविष्य में है संभावना कि नहीं? वो कभी मुझे बुलाएंगे मैं जरूर जाऊंगा। चुनाव के पहले जो आपको कहा गया था कि आप अभी यूपी चुनाव के पहले कि आप अपना मुंह बंद रखिए, तो आपको किसने कहा था? ऐसे मुझे कभी नहीं कहा गया है कि मुंह बंद रखिए, लेकिन आप उस समय थोड़ा सा चुप हो गए थे चुनाव के जस्ट पहले।
नहीं, चुनाव में मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं थी। लेकिन उसके पहले तो लगातार बोल रहे थे आप। वो तो मैं तब भी बोल रहा था, बाद में बोल रहा था। राहुल जी से भी कभी आपका संपर्क हुआ क्या? संपर्क नहीं, कभी कोशिश करेंगे संपर्क करने के लिए? अभी तो कोई रीजन और मौका नहीं है। बट मैं उनका ये जो यात्रा वाला काम था, इसका ये मुझे अच्छा लगा, उन्होंने जो यात्रा की, ये सब नेताओं को करनी चाहिए। अभी क्या हो गया है कि जो मेरठ के भी नेता हैं वो यहाँ से हेलीकॉप्टर से मेरठ जाते हैं। अच्छा, तो ये पैदल यात्रा नहीं करते? टूटनी चाहिए, पैदल नहीं, कार से ही चले जाओ भाई। तो उस यात्रा को आपको अच्छा लगा? वो अच्छा, अच्छा प्रयास था, उससे राहुल को फायदा भी हुआ। लेकिन अब तो नहीं लगता है कि उसके बाद ये सारा एपिसोड हो गया उससे नुकसान हो गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ, राहुल को सारे एपिसोड में फायदा हुआ। पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग सीरियसली। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में राहुल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकते हैं? नहीं, वो तो खुद ही नहीं है इस चुनाव में, तो वो नहीं है, हिमसेल्फ इज ही हैज ऑप्टेड आउट कि मैं नहीं हूँ इसमें कहीं। क्या 2024 में वो कहीं सीन में नहीं है? तो आपको लगता है कि मोदी जी के सामने कोई 2024 में बड़ा चेहरा है? किसी चेहरे की जरूरत नहीं है, वो पीपल वर्सेस ऑल हो जाता है। जब जनता खड़ी होती है तो वो चेहरा देखती नहीं है, बदल देती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्या? हाँ, ऐसा हुआ। कब कब हुआ ऐसा? देखिए, 77 में हुआ, जेपी कोई प्राइम मिनिस्टर का फेस तो नहीं थे, कोई एग्रीड अपॉन कैंडिडेट नहीं था, मुरारजी बने वो चुनाव से पहले एग्रीड नहीं थे। इसके बाद भी हुआ, वीपी सिंह वाले में जरूर वीपी सिंह थे। नहीं, वीपी सिंह में भी कहाँ थे वो? हाँ, वीपी सिंह उस समय तो बाद में बने, बाद में बने, पर चंद्रशेखर देवीलाल भी कैंडिडेट थे, चेहरा नहीं थे, तो बिना चेहरे के चेंज हुआ 89 में। उस समय तो बोफोर्स कांड हुआ था, बोफोर्स हुआ था, इस बार अडानी हो गया, उतना ही सीरियस। तो आपने कभी सजेस्ट नहीं किया उनको पर्सनली, चूंकि आप तो राज्यपाल थे, कि ऐसे करना चाहिए? गया तो था किसानों को सजेस्ट करने। अच्छा, तो क्या हुआ था? उनको किसी का सजेशन नहीं चाहिए, वो तो उन्होंने क्या कहा था आपको? उन्होंने कहा चले जाएंगे सतपाल, कोई बात। मैं कहे कितने दिनों से बैठे हैं, कोई बात नहीं, चले जाएंगे। मैं कहा साहब ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। और अल्टीमेटली माफ़ी मांग के वापस लिए कानून, उस वक्त नहीं सुना उन्होंने। अगर आपका सुन लिए होते तो? सुन लिए होते तो डैमेज ही नहीं होता। आपका भी मन भर गया है ऐसा लग रहा है कि उनसे? नहीं, नेचुरली देखो, मैं जिस पॉलिटिक्स से निकला हूँ, मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ 10 साल, लोहियाइट रहा हूँ, किसान पॉलिटिक्स से निकला हूँ, तो उसका इनका कोई मेल नहीं है। तो आपके विचार भी मेल नहीं खाते हैं? हाँ, नहीं खाते हैं। तो अगला 2024 का चुनाव अजीत सिंह के बेटे के लिए प्रचार करेंगे? उसके लिए करूंगा, मुलायम सिंह के बेटे के लिए करूंगा, अखिलेश, राहुल के भी अच्छे लोग कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए। लेकिन वहाँ पे तो कांग्रेस खत्म हो गई है यूपी में? नहीं, खत्म कभी कोई पार्टी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ हरियाणा में होंगे ना इनके लोग। हाँ, मान ली हुडा होगा, उसके लिए करूंगा। विधानसभा चुनाव में भी प्रचार करने जाएंगे क्या राजस्थान में आप? राजस्थान में जाऊंगा। किसके लिए जाएंगे प्रचार करने के लिए? वो नेचुरली जो इनके खिलाफ लड़ेगा उसके लिए जाऊंगा, बीजेपी के लिए। हाँ, लेकिन आप तो वसुंधरा की बात कर रहे हैं कि वसुंधरा को प्रोजेक्ट कर देंगे तो सिचुएशन इज डिफरेंट, तब आप नहीं जाएंगे? ये बहुत हाइपोथेटिकल है अभी, बट वसुंधरा से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि उसको प्रोजेक्ट करेंगे, पर करेंगे नहीं। अच्छा, करेंगे नहीं, क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि करेंगे नहीं? मेरी बहुत बार बात हुई है, दे हेटर। अच्छा, किससे बात हुई आपकी? नहीं, वो मैं क्यों नाम बताऊं किससे हुई, बट ये दोनों ऊपर वाले जो सब लोग हैं वो सुंदरा को किसी कीमत पर नहीं चाहते हैं। तो क्या वहाँ पे कांग्रेस का क्या भविष्य लग रहा है आपको? राजस्थान में कांग्रेस का खूब भविष्य है, जैसा देखिए कितनी बढ़िया सरकार चला रहा है गहलोत, तो उसका बजट देखो आप। लेकिन वहाँ तो आपस में ही लड़ाई थोड़ा सा वो तो रहती है सब पार्टियों में, कहाँ कब नहीं रहती है। मतलब आपको लग रहा है कि बजट के जरिए सरकार सत्ता में आ जाएगी, वापसी हो जाएगी? इश्यूज पे ही आती है, बजट में उसने हर सेक्शन को सेटिस्फाई किया। तो आप मेरिट के आधार पे हर को आंकते हैं कि जिसका जो मेरिट होता है? जो मेरिट हो उस पे आंकना भी चाहिए। आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए।